एकता समाचार में सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद। गलियाकोट पंचायत समिति के डयाना गांव में शिक्षक हरीश दवे ने किया 8 फीट लंबे अजगर का रेस्क्यू। जानकारी के अनुसार डयाना गांव में विनोद भाई पाटीदार अपने खेत में गेहूं की फसल में पानी पिला रहे थे, तभी अचानक उनकी नजर पास ही में एक बड़े अजगर पर पड़ी। अजगर को देखकर वे भयभीत होते एवं आसपास के लोगों को सूचित किया। इस पर गांव के ही भरत भाई पाटीदार व पूर्व उप सरपंच ने पर्यावरण प्रेमी एवं शिक्षक हरीश दवे को फोन पर सूचना दी। सूचना पाकर हरीश दवे मौके पर पहुंचे एवं अजगर को पकड़कर सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ दिया। आपको बता दें कि हरीश दवे शिक्षक होने के साथ ही 20 वर्षों से जीव जंतुओं एवं पर्यावरण संरक्षण के कार्य करते आ रहे हैं। उनके द्वारा अब तक 2500 के लगभग सांप, कई अजगर, मगरमच्छ, मोर, हिरण, नीलगाय, सियार, बंदर, कछुए, उल्लू, मोनिटर लिजार्ड आदि जीव जंतुओं का रेस्क्यू किया जा चुका है। हरीश दवे इन सभी जीव जंतुओं का रेस्क्यू कर वन विभाग के सहयोग से उनका उपचार कर सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ देते हैं। सभी पर्यावरण प्रेमी मित्रों को मेरा हरीश दवे का नमस्कार। हमने लियाना से एक अजगर पकड़ा है। विनोद भाई पाटीदार और भरत भाई पाटीदार हैं, उनके खेत में वो पानी पिला रहे थे और अचानक उनको दिखा, उन्होंने मेरे को सूचना दी और इसको रेस्क्यू कर दिया है। आज 22/12/2021 को और अब हम इसको सुरक्षित वन क्षेत्र में रिलीज करने जाएंगे। ये मेरे साथ में पाटीदार जी भी हैं। मैं सबसे निवेदन करता हूं कि ये नॉन पॉइजनस होता है और मनुष्य को किसी प्रकार की हानि अभी तक में पहुंचाने की सूचना यहां अपने क्षेत्र में नहीं है, तो हमें पर्यावरण संरक्षण के साथ में ऐसे जीवों का संरक्षण भी करना चाहिए। साथ ही इन जीवों को मारना अपराध है। वन्य जीव सुरक्षा कानून के तहत ऐसे जीवों को मारने पर कड़ी सजा का प्रावधान है, तो हमें इन जीवों की सुरक्षा करनी चाहिए। ये पर्यावरण के लिए आवश्यक है। मैं हरेश दवे खड़कदास से, धन्यवाद। सभी पर्यावरण प्रेमी मित्रों को मेरा हरेश दवे का नमस्कार। हमारे साथ में है वन विभाग के राकेश जी पाटीदार, जो कर्मठ हैं। संजेश जी भी हैं, हम हमारे साथ में अक्सर रहते हैं। हमने डयाना में एक बड़ा अजगर रेस्क्यू किया है। इसको आज 22/12/2021 को हम यहाँ पर्यावरण में रिलीज करने आए हैं। देखिए, इसको लिए इसके लिए बहुत अच्छा पर्यावरण है। ये लगभग 8 फीट लंबा अजगर है और हमें वन्य जीवों की सुरक्षा के साथ में पर्यावरण संरक्षण का काम भी करना चाहिए। देखिएगा, ये लगभग 8 फीट लंबा अजगर है और ये बाहर निकलना नहीं चाह रहा है। इसको ठंड का एहसास भी हो रहा है। देखिएगा, ये आज 22/8/2021 को हमने इसको पर्यावरण में रिलीज कर दिया है। ये कहाँ किस तरफ जा रहा है, पानी में जा रहा है। देखिएगा, मैं हरीश दवे, देखिएगा ये पानी में बहुत इसको लिखा रहा है। हमें पर्यावरण संरक्षण के साथ में ऐसे प्यारे जीवों की सुरक्षा भी करनी चाहिए। देखिए, ये लगभग 8 फीट लंबा अजगर है और इसको हमने यहाँ पर्यावरण में रिलीज कर दिया है आज 22/8/2021 को लियाना में। और इसको देखिएगा, ये सुरक्षित गया, ये गया। मैं हरेश दवे खड़कदा से, मेरे साथ में संजेश जी पाटीदार हैं, राकेश जी पाटीदार हैं, वो भी पूरा सहयोग करते हैं और कर्मठ हैं, युवा हैं। मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि रात को जब भी फोन किया जाता है आप दोनों उपस्थित होकर के और सदैव तत्परता पूर्वक हम साथ में ही रेस्क्यू कार्य करते हैं और सुरक्षित पर्यावरण में रिलीज करते हैं। मैं हरेश दवे खड़कदा से।